ठीक ठाक हो तो ब्लॉग शुरू कर लिया आज का। तो पहले नाश्ता कर ले फिर आज के सीन बताते हैं, बाकी देखते रहिए। हाँ तो भाई यूनिवर्सिटी खुल गई है आज, वो जो 3 हफ्ते का लॉकडाउन हुआ था यूनिवर्सिटी बंद हो गई थी, उसके बाद यूनिवर्सिटी खुल गई आज। तो अभी मैं यूनिवर्सिटी के लिए निकल रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि तुम लोगों को भी दिखा दूँ कि दिन कैसे गुजारता हूँ अपना यूनिवर्सिटी में आम दिन। तो चलते हैं यूनिवर्सिटी, फिर देखते हैं क्या होता है। आ जाए अभी यार, क्लास से वेले होके निकले हैं तो जिम का टाइम हो गया, तो फिलहाल फिर जिम जाना है, जिम जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी खुली है, सोचा जिम स्टार्ट करना है। अभी किया भी कर जिम, मुझे भी आज आता है। आज करेंगे ना भाई, आज करेंगे तो जिम करो। आओ जिम करते हैं। यार अभी मैं आया हूँ दही भल्ले खाने, ज़रा भूख लग रही थी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि यूनिवर्सिटी के जैसे UCV के दही भल्ले जहाँ मिल जैसे मिलते हैं, अंदर घुस जाओ, बात कर रहे हो नज़र नहीं आ रहा जो। हाँ तो क्या कह रहा था मैं, UCV जैसे दही भल्ले पूरे लाहौर में नहीं। दही भल्ले आया कंटीन में खाने, UCV जैसे दही भल्ले कहीं लाहौर में नहीं मिलते। तो यूनिवर्सिटी खुली है, दही भल्ले ना खाए, कट करो यार। तो यार तुम लोगों को एक चीज़ बताता चल लूँ, ये जो ट्रॉफीज़ लगी देख रहे हो ना, ये ना एक इंटरवर्सिटी स्पोर्ट्स कंपटीशन होता है काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के बीच। तो ये पिछले 2020 से 2015 पिछले 5 सालों से UCP जीतती आ रही है, तो किसी यूनिवर्सिटी को करीब तक नहीं आने दिया हम लोगों ने। देखो 15 से 20 तक हमारा ही जीता हुआ है, और ये देखो 2021 का इस साल भी हम लोग ही स्वीप कर गए भाई। भाई अभी आगे क्लास हो रही है और हम बैक बेंचर इधर बैठे व्लॉग बना रहे हैं। ये देखो ठीठे बच्चे पढ़ रहे हैं। सामा भाई रिव्यू कर लिया आपने पेपर? येलो हो गया सर। ठीठा बच्चा भाई, ठीठा यार ठीठा चल रही है, लेकिन हम अभी निकल आए हैं क्योंकि दिल नहीं कर रहा था क्लास लेने का। ऐसा ही है भाई, जो बोल रहा है क्लास चल रही है। अभी उसामा साहब ने असाइनमेंट करनी है क्योंकि आधा घंटा रह गया असाइनमेंट सबमिशन में, और अभी तक असाइनमेंट हमारी हुई नहीं है। मिली कब अभी पता लगा हमें, अभी पता लगा कि मिली असाइनमेंट 4 जनवरी से मिली, 4 जनवरी की मिली हुई है, 13 हो गई है, आधा घंटा रह गया सबमिशन में, अब बनाने लगे हमें असाइनमेंट, बस दुआ कर रहा। अच्छा तो यार ये जो सामने तुम लोग ब्रिज देख रहे हो ना, ये वाहिद ऐसी चीज़ है जिसने बी बिल्डिंग को और सी बिल्डिंग जहाँ मैं खड़ा हूँ उसको आपस में कनेक्ट करके रखा हुआ है, क्योंकि जो सी बिल्डिंग है ना जहाँ मैं खड़ा हूँ ये सेपरेट बनी हुई है, यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं बनी हुई है। तो ये ब्रिज एक वाहिद सहारा है जो दोनों को कनेक्ट करके रखती है। तो यार आज ज़्यादा कुछ करने को था नहीं, जो था मैंने तुम लोग को दिखा दिया, तो मैं घर जा रहा हूँ, तो व्लॉग को मैं एंड करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए पीस आउट।